नमस्ते मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सबका स्वागत करता हूँ योगदर्शन की व्याख्यान माला के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विभूति पाद की सूत्र की जिसमें मुख्य रूप से अदृश्य होने की शक्ति का अदृश्य होने की सिद्धि का वर्णन किया गया है तो जानते हैं साधक को अदृश्य होने की जो शक्ति है ताकत है सामर्थ्य है बल है वो कहाँ से प्राप्त होता है किसमें संयम करने से उसे सिद्धि प्राप्त होती है सूत्र के माध्यम से जानते हैं काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम इसको एक एक करके हम देखते हैं काय रूप संयम काय के रूप में संयम करने से काय क्या है शरीर शरीर के रूप में जब हम संयम करते हैं यानी कि शरीर के रूप में ही शरीर को के शरीर शर, अपने शरीर में जब साधक संयम करता है तद ग्राह्य शक्ति उसके बाद ग्राह्य शक्ति जो ग्रहण करने की जो शक्ति है यानी कि ग्रहण करने की शक्ति क्या है जिससे हम चीजों को ग्रहण करते हैं तब जो हमारी आंखों की जो ग्रहण करने की जो शक्ति होती है सामर्थ्य होता है वो रुक जाता है कुछ समय के लिए उसके बाद चक्षु प्रकाश असंप्रयोग क्योंकि हमारी आंखों का प्रकाश के साथ असंप्रयोग कि संबंध टूट जाता है जिससे अंतर्धान तो शक्ति का रुक गया यानी कि जो ग्रहण करने वाली जो है चीज यानी कि आंखों से हम ग्रहण करते हैं उसका वो रुकने रुकने के कारण रुकी तो रुकने का अगला कारण उसने बताया कि चक्षु यानी कि आंखों का प्रकाश के साथ असंप्रयोग यानी कि प्रकाश के साथ संबंध टूट जाता है माने कोई भी चीज हम कैसे देखते हैं आप मेरे व्याख्यान को कैसे देख रहे हैं जब आंखों के आगे प्रकाश है यदि आंखों के आगे प्रकाश नहीं है तो आप नहीं देख सकते किसी भी चीज को वह अदृश्य होती है आपके लिए जिस प्रकार से रात्रि में आप देखते हैं रात्रि में हम अपने पास रखी वस्तु को भी नहीं देख पाते क्यों क्योंकि आंखों का प्रकाश के साथ संबंध नहीं जैसे उस पर हम टॉर्च लाइट डालते हैं या कोई हम प्रकाश करते हैं रोशनी करते हैं तो तुरंत हमें वो चीज दिखाई देती है अदरवाइज वो बिल्कुल पास में भी भी रहे तो भी हमें दिखाई नहीं देती चाहे बिल्कुल हम अपने हाथों को भी देखें वो भी नहीं दिखेंगे घोर अंधेरी रात में क्योंकि आंखों का प्रकाश के साथ प्रयोग संबंध नहीं है तो यहां असंप्रयोग की बात की चक्षु चक्षु प्रकाश असंप्रयोगी आंखों का प्रकाश यानी रोशनी के साथ संबंध नहीं होता जिसके कारण योगी को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगा होगा कि ऐसे कैसे अदृश्य हो सकता है लेकिन देखिए वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो जैसे आंखों का संपर्क रोशनी के साथ टूट जाता है तो अदृश्य अपने आप हो जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारे आंखों में प्रकाश की अल्पता हो जाती है यानी कि प्रकाश कई बार आपने देखा होगा ना इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कई बार कि हम कहीं खड़े हैं और सामने देख रहे हैं किसी चीज को लेकिन सामने से कौन आ रहा जा रहा है हमें ध्यान नहीं होता क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हमें ये नहीं पता कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है जबकि हमारी आंखें खुली होती हैं कि उस समय पर कुछ समय के लिए हमारी आंखों का जो संपर्क है प्रकाश के साथ वो टूट जाता है क्योंकि मन के साथ कनेक्ट हो जाता है उसके कारण भी हम किसी को नहीं देख पाते तो जरूर ये विद्वानों के लिए चर्चा का विषय है इसको और अच्छी तरह से व्याख्यान इसको इसको व्याख्य करना चाहिए इसको अच्छे से इसको इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए सूत्र का इस पर और भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विद्वानों के साथ भी हम चर्चा करेंगे ताकि इसके और सही स्वरूप को हम लेके आएँ अभी मुझे जितने स्वरूप का बता था मैंने आपको उतना ही बताया तो आगे भी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में जब भी हमें कोई और विद्वान से हम चर्चा करेंगे तो जरूर आपके लिए इस ए, उस चर्चा को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा लेकिन ये टेक्निकली बिल्कुल सही है कि जैसे ही आंखों के आंखों से प्रकाश का जो ए, संपर्क है वो टूट जाता है तो हमें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है यानी कि हम देख हमें कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि आंखों से प्रकाश जब छूट जाता है तो कोई व्यक्ति किसी को नहीं देख सकता लेकिन वो काया में यानी कि रूप में संयम करने के द्वारा इस सिद्धि की बात की है तो परीक्षा की दृष्टि से भी हम देखें तो कहा गया कि काया के रूप में यानी कि शरीर काया रूप में यानी कि शरीर के रूप में संयम करने से किसकी शक्ति प्राप्त होती है अंतर्ध्यान होने की या अदृश्य होने की दोनों एक ही बात है या कहा जाए कि अंतर्ध्यान होने की या अदृश्य होने की शक्ति कैसे प्राप्त होती है किस में संयम करने से होती है तो काया के रूप में यानी कि शरीर के रूप में संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है तो इसके माध्यम से हमने जाना है इक्कीसवें सूत्र को बाईसवें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने प्रस्तुत होता हो तब तक आप सबका धन्यवाद नमस्ते